सुनो ना, पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द्रौपदीज किचन। चलिए आज को स्मार्ट कुकिंग करते हैं। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही चटपटा और यम्मी टेस्टी रेसिपी, और वो है रॉ बनाना कबाब या कच्चे केला की कबाब। लेट्स स्टार्ट। पहले मैंने दो कच्चा केला ले लिया है और उसको मैं छोटे छोटे पीसेस में कट कर रही हूँ। अब मैं इसको बॉयल कर लूँगी, प्रेशर कुक कर लूँगी, तो फिर लगाऊंगी हाई फ्लेम में। अब बॉयल हो गया है कच्चा केला, इसको टाटा करके इसके छिलका निकाल के फेंक दूँगी। अब देखिए, हमने छिलका निकाल लिया है। अब इस कच्चे केले को हम स्मैश कर लेंगे बहुत अच्छे से, ताकि कोई लंप ना रहे। अब देखिए, कच्चे केले बहुत अच्छे से स्मैश हो गया है। अब मैं इसमें मिला रही हूँ पिसा हुआ मटर की दाल। अगर मटर की दाल आपके पास नहीं है तो आप इसके जगह मुसर की दाल भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि मुसर की दाल या फिर मटर की दाल ये बाइंडिंग एजेंट के हिसाब से काम करते हैं, साथ में इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। अब मैं 3 टेबल स्पून मटर की दाल, पिसा हुआ मटर की दाल मिला दिया। अब मैं मिला रही हूँ कद्दूकस किया हुआ नारियल 1 टीस्पून, और अब मैं मिलाऊंगी अदरक पेस्ट 1 टीस्पून, और इसके बाद मैं मिलाने वाली हूँ छोटे छोटे कट किया हुआ नारियल फ्राई करके। नारियल ज़्यादा नहीं मिलाना है। अब किशमिश डाल दिया 1 टीस्पून छोटे छोटे कट करके। अब बहुत अच्छे से मिक्स करूँगी। किशमिश या नारियल ज़्यादा नहीं डालना है, अदरवाइज हमारा जो कबाब है फट सकता है। अब मैं इसमें मिला रही हूँ बॉयल आलू, एक पूरा मिलाऊंगी। पहले हाफ मिलाया, अब और हाफ मिला दिया। अब बहुत अच्छे से मैं मिक्स करूँगी। आलू में बाइंडिंग एजेंट होता है, यह कबाब को बाइंड करने में हेल्प करेगा, साथ ही साथ बहुत अच्छा टेस्ट देगा। अब मैं मिला रही हूँ नमक स्वाद अनुसार 1 टीस्पून से थोड़ा ज़्यादा, चीनी 1 टीस्पून, मैजिक मसाला 1 टीस्पून। मैजिक मसाले की रेसिपी आपको हैंड स्क्रीन में मिल जाएगी, और यह मैजिक मसाला बहुत टेस्टी होता है। आप किसी भी तरीके का कबाब या फिर कोई वेज या नॉन वेज रेसिपी में अगर यूज़ करते हैं तो उसका टेस्ट दुगना हो जाता है। अब मैं इसमें मिला रही हूँ दालचीनी पाउडर 1/2 टीस्पून, और अब मैं बहुत अच्छे से फिर से मिक्स करूँगी सारी चीज़ को। मुझे लग रहा है और थोड़ा बाइंडिंग की ज़रूरत है, अभी भी इसमें ये हमारा मिक्सचर थोड़ा गीला है, तो इसलिए मैं इसमें मिला दूँगी तो 1 टेबल स्पून बेसन। तो इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है मुझे लग रहा है, इसे 1 टेबल स्पून बेसन से ही ये बहुत अच्छे से बाइंड हो जाएगा। लेट्स सी। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आगे ऐसी इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ के लिए। अब मैंने बेसन को मिक्स कर दिया। अब देखिए बहुत अच्छा बाइंडिंग हो गया है। अब आप इसे कबाब बना सकते हैं। आप इससे कबाब बनाना स्टार्ट करते हैं तो आपको मन चाहे शेप दीजिए। मैं जो नॉर्मल कबाब का शेप होता है वही दे रही हूँ, आप किसी भी तरह का शेप दे सकते हैं। आप इसको फ्राई करूँगी सरसों के तेल में, तो इसके लिए सरसों के तेल को मैं हाई फ्लेम में गर्म कर रही हूँ, अदरवाइज क्या होगा, जैसे कबाब डालेंगे ना वो फट जाएगी। तो सरसों का तेल बहुत हाई फ्लेम में मैंने गर्म कर लिया, और कबाब डालते ही कबाब के ऊपर ऐसे तेलों का बरसात करने लगे, तेलों से उसको नहाने लगे, ताकि कबाब जो है दोनों साइड से बहुत अच्छे से फ्राई हो जाए। आप देखिए, मैं दोनों साइड से धीरे धीरे फ्राई कर रही हूँ। फ्लेम जो है आप मीडियम से हाई फ्लेम पे 8 से 10 मिनट तक इसको फ्राई करें, ताकि अंदर से भी कबाब फ्राई हो जाए। अगर हाई फ्लेम में फ्राई करेंगे तो ऊपर लाल होगा, अंदर कच्चा रहेगा। तो रेडी है हमारे यम्मी टेस्टी कच्चे केला की कबाब। कैसा लगा आज की रेसिपी, प्लीज़ कमेंट करके बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड।